फिरोजाबाद जनपद में सुरक्षा चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ के तहत एसपी सिटी व सीओ टुंडला के नेतृत्व में थाना नारकी के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा मई हमला ही वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह व मई कर्मचारी गढ़ नगला सिकंदर से आगे पछोकरा की तरफ नाले की पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि मथुरा जिला कारागार से भागे अभियुक्त राहुल और कलुआ, जो जिला फिरोजाबाद के टुंडला में लूट की घटना को अंजाम देने काली पल्सर पर आ रहे हैं। इस सूचना पर पूरी टीम ने कड़ी चेकिंग की तो एक काली पल्सर मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए, जहां पुलिस पार्टी को देख मोटरसाइकिल छोड़ वह अभियुक्त भागने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जान से मारने की नियत से कांस्टेबल पुष्पेंद्र व अन्य पुलिस कर्मियों पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जहाँ एसएसपी सचिंद्र पटेल ने वार्ता के दौरान बताया कि 31 दिसंबर 2017 की रात को मथुरा जिला कारागार की दीवार फांदकर ये अभियुक्त भागे थे। इनके ऊपर 15,000 का इनाम भी मथुरा पुलिस ने घोषित किया था। थाना नारकी की पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य करते हुए दो अपराधी जो मथुरा से फरार हुए थे जेल से, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिनके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों अपराधी जो हैं, इनके ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और ये वहाँ से भागने के बाद दिल्ली में, बनारस में और कई जगहों पर है। उसके बाद ये हमारे जनपद में आकर इन्हें रहना पाया गया। अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो कि आगामी घटना को देखते हुए प्रचलित है। उसी में ये एक महत्वपूर्ण सफलता हम लोग प्राप्त हुई, जिसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। सर, किस मामले में मथुरा जेल में बंद थे? मथुरा जेल में ये बंद थे, अभी उसके बारे में और डिटेल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इनके ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं दोनों अभियुक्तों के ऊपर। किस मामले में ये थे वहाँ पे, इसके बारे में और जानकारी की जा रही है हम लोगों के द्वारा।